सरकार और राज्य सरकार दोनों को कि किसान हितैषी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बगल के देशों में पेट्रोल के दाम बहुत कंट्रोल में हैं और यहाँ पर बेतरतीब रूप में और मनमना बढ़ता है। कर्नाटक चुनाव हुआ तो देखा, कुछ दिन एकदम रुका रहा, उसके बाद तुरंत बढ़ गया। गुजरात का चुनाव हुआ था, रुका हुआ था, फिर बढ़ गया और अभी फिर बढ़ गया। हमारा कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो उस पर पैसा लगाया हुआ है, लेवी लगाया हुआ है, वो सब्सिडी कुछ बढ़ा दे। सब्सिडी बढ़ा देगा तो नेचुरली है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएंगे। और ये ऐसा मुद्दा है जो हर कॉमन से लेकर के सभी लोगों को टच करता है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के जनता, बिहार की जनता, कौन गलत पाप किया है कि आज इस प्रकार से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये जो प्राय हाइक हुआ है पेट्रोल के दाम का, उसके हमने भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं और दोनों सरकार से कहते हैं कि आप सब्सिडी कंसिडरेबली बढ़ाइए ताकि 50 रुपया से नीचे डीजल और पेट्रोल का दाम हो जाए। क्रूड जो है वो बाहर से आता है और वहां कंपनियां उसको महंगा करती चली जा रही हैं, तो उस महंगाई के नाते वह यहाँ पर नियंत्रण है। और इस नाते हमारे पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी बार बार इस बात को कहे कि हमको आगे बढ़ करके जो है जीएसटी में पेट्रोल को लाना चाहिए, डीजल को लाना चाहिए। लेकिन विषय यह है कि जब तक सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक हम काउंसिल में उसको नहीं ला सकते। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि वो हो। वैसे स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर काफी गंभीर हैं और गंभीरता के साथ मुझे लगता है कि जल्द ही उस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। सर, विपक्ष तो ये कह रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमत कम थी, कच्चे तेलों की कीमत कम ही थी, तब भी सरकार ने यहाँ पे पेट्रोलियम की कीमत को कम करने में अपनी उत्साह नहीं दिखाई थी। अनेक बार हमारी सरकार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत कम की गई है, चार चार रुपए तक एक एक बार की गई है। विपक्ष अगर ये करता नहीं की गई है तो गलत कहता है। हमने वो गैस के सिलेंडर उनके समय में लाइन लगा करती थी, महीनों बाद मिलता था। हमने तो मुफ्त में गैस के सिलेंडर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को देने का काम किया है।